यू आर द क्रिएटर ऑफ यूर लाइफ, सो वाई आर यू लिविंग सो मच मनी ऑन द टेबल। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इसी प्रकार की चीजों के बारे में और आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे एक बंदा जीरो टू हीरो का सफर पूरा किया। बेसिकली मैं उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ और उसके बाद आपको दूंगा अमेजोन से जुड़े बहुत ही मजेदार टिप्स जिससे आप भी बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर पाओगे। तो गाइस एक लड़का जो एक बहुत ही मिडिल क्लास कम लोअर फैमिली से आता है, जैसे देन गाइज जब ये चीज जब मतलब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, मेन जर्नी जो कॉलेज की जर्नी मैं बोलूंगा, एंड जब वो कॉलेज का एडमिशन के लिए प्रिपरेशन करता है, उस समय भी उसके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सके और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सके। गाइज इस समय भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता होता है बहुत ज्यादा, बिकॉज उसको जो एडमिशन चाहिए होता है वो चाहिए होता है एक गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यहाँ से ही उसका स्ट्रगल का समय स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली जो हम सबका एक माइंडसेट रहता है कि अगर हमें जिंदगी में पैसे कमाने हैं या बहुत ऊपर जाना है तो हमें एक रास्ता दिखाई देता है कि जस्ट गो टू कॉलेज एंड देन स्टार्ट समथिंग जॉब लाइक दैट। ओके, सो उसके भी माइंड में यही चीजें चल रही होती हैं एंड वो भी जाता है कॉलेज के लिए और कॉलेज में उसको चाहिए रहता है गवर्नमेंट कॉलेज। इसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करता है, स्ट्रगल करता है, एट द एंड उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। बट यहाँ से प्रॉब्लम ये हो जाती है गाइस कि जब वो कॉलेज में जाता है तो उसको उतना ज्यादा वो चीज पसंद नहीं आती है, बट रहता है कि अब करना है तो करना है। बिकॉज गाइज यही वो चीज थी जो उसकी हेल्प कर सकती है, अदरवाइज उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था बिकॉज उसके पास उतने पैसे नहीं थे। अब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, 4 साल खत्म हो जाता है। ये 4 साल खत्म होने के बाद वो सोचता है कि चलो कैंपस में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा मेरा। देन वो कैंपस में जाता है, बैठता है, जैसे आपके और मेरे कॉलेजेस में कैंपस आते हैं, देन वहां लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। सेम उसका भी ऐसा ही चल रहा था, वो भी कॉलेजेस में जाता है, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग कैंपस आते हैं, बहुत सारे कैंपस में बैठता है, बट एट द एंड उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन गाइज वो जो रहता है वो बहुत ज्यादा एक अंदर से हस्टलर रहता है, यू कैन से कि उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया लाइफ में, तो उसको ये चीज पता है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा। देन ऐसे करते करते वो बहुत जगह इंटरव्यू देता है, बहुत जगह कैंपस में बैठता है, बट सिलेक्शन एक भी जगह नहीं हो पाता। ये होते होते बेचारे का 1 साल पूरा बीत जाता है, मतलब कि 4 साल की इंजीनियरिंग और 5 साल उसके पूरे खत्म हो जाते हैं, बट अभी तक उसको जॉब नहीं मिलती है। अलग अलग शहर में, अलग अलग सिटीज में जाता है, बॉम्बे, दिल्ली, वहां के जो होटल्स होते हैं आपको पता है कि 500, 1000, 1500 ऐसे ऐसे होटल्स को एफोर्ड करना भी उसके लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, कई समय वो रेलवे स्टेशन पे गुजारता है इधर उधर, बिकॉज आजकल रेलवे स्टेशन पे आप सो भी नहीं सकते, बट बंदा इधर उधर करके ट्रेन में घूम घूम के अपना समय बिताता है बिकॉज उसका हर एक एक दिन इंटरव्यू रहता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद उसको पता चलता है बॉम्बे में, मुंबई में, कि डिजिटल मार्केटिंग टाइप की कोई चीज होती है और इसमें भी अर्निंग की जा सकती है। बेसिकली उसको पता चलता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। देन उसके पास उतने पैसे नहीं रहते हैं, एक मोबाइल रहता है वो जो पुराना वाला नोकिया का, जिसमें बस एक टच स्क्रीन होता था, आई डोंट नो द मेन नेम ऑफ दैट मोबाइल, बट वो नोकिया का पुराना वाला मोबाइल। देन वो स्टार्ट करता है उस मोबाइल से, चीज़ें सही से काम भी नहीं करती हैं, अच्छे से 3G बस चल जाता है और वो उस चीज को यूज करना स्टार्ट करता है। बहुत मतलब स्ट्रगल करने के बाद उसको कुछ भी हाथ नहीं आता है। वो SEO करता है, वो वेबसाइट्स बनाता है, ब्लॉग करता है, बट उसको कुछ भी हाथ नहीं आता है। बहुत मुश्किल से उसने 1 GB का डाटा लिया था 1 महीने के लिए, बहुत मुश्किल, जिसका पैसा उसने पे किया था एक दुकान पे मजदूरी करके, राइट, एक दुकान पे मजदूरी कर, बट वो 1 GB भी उसके काम नहीं आती है, राइट। बट वहां पर उसको एक मेथड पता चलता है, उसको बोलते हैं फेसबुक ग्रुप से अर्निंग। फेसबुक ग्रुप में आप सेलिंग करते थे, इसको वो पता चलता है। देन वो स्टार्ट करता है ये फेसबुक ग्रुप्स के साथ, ग्रुप बनाता है, ग्रुप में लोगों को ऐड करना स्टार्ट करता है, लोगों को बोलता है प्लीज ऐड
और लोग, आपको पता है कि लोग एक इस प्रकार की उनकी मतलब लोगों की साइकोलॉजी होती है कि अरे यार हो जाएगा हो जाएगा, हमको तो नहीं करना, क्योंकि जब तक हमारा खुद पे नहीं आता या मतलब एक ऐसा एंडिंग पॉइंट हमें नहीं मिलता लाइफ में, तब तक हम स्ट्रगल सही से नहीं करते हैं, राइट। ऐसे ही उसके साथ भी हो रहा था, लोगों ने कहा ठीक है ऐड कर देंगे, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, एंड जस्ट लाइफ चलती रही। बंदे को पता था कि फेसबुक ग्रुप से निकालना है, पैसे निकालने हैं इसमें से होगा। 1.5 साल तक बंदा कंटिन्यू स्ट्रगल किया, बट उस ग्रुप में सिर्फ 4,500 मेंबर तक हो पाए, राइट। 4,500 मेंबर तक हो पाए, सेलिंग कुछ भी नहीं हुई, बट हर दिन वो पोस्ट डालता था, हर दिन वो पोस्ट डालता था, हर दिन लोगों को ऐड करता था कंटिन्यू, लेकिन सेलिंग कुछ भी नहीं, राइट। एट द एंड अब उसने कहा कि अब मुझसे ये सब नहीं होगा, एंड वो छोड़ दिया। एंड उसके बाद वो चला गया ऑफलाइन में मजदूरी करने या जो भी काम, एज यू नो कि इंजीनियर्स का क्या हाल है, राइट। सो वो चला गया वो सब काम वाम करने, एंड उसने ये चीजें यहाँ लीव कर दी, बट उसके ग्रुप में 4,500 मेंबर थे। जानते हो 3.5 साल बाद क्या हुआ? 3.5 साल बाद गाइज हुआ ये, 3.5 साल बाद उसके ग्रुप में 1 लाख मेंबर थे, और उसका जो एफिलिएट नेटवर्क था दैट इज कॉल्ड एमेजॉन एफिलिएट नेटवर्क, उसमें 55,000 रुपए थे, 55,000 रुपए, और उसके ग्रुप का पूरा पूरा 1 लाख का ट्रैफिक 3.5 साल बाद और 55,000। ये चीज हुई उसके साथ, जानते हो क्यों? बिकॉज वो जो था शुरू में हमेशा पोस्टिंग कर रहा था, हमेशा अपने ग्रुप में पोस्टिंग कर रहा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो बंदा अकेला था, तो इसलिए उसका ग्रुप जल्दी बिल्ड नहीं हो पाया। लेकिन उसने कैसे भी करके 1.5 साल में 4,500 से 5,000 मेंबर किया, और वो मेंबर बाद में मतलब वो जो मेंबर्स थे वो भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते थे, और जो उसका बाइंग एंड सेलिंग का ग्रुप था वो 1 लाख लोगों का हुआ, और इस समय वो प्रोडक्ट सेल करता है उस ग्रुप के ही द्वारा, और लाखों रुपए की उसकी अर्निंग है वीकली, राइट। उसने यूज किया वेबसाइट, उसने यूज किया एसईओ, बट वो चीजें उसके लिए काम नहीं आई, एट द एंड उसके लिए काम आया फेसबुक। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फेसबुक ग्रुप की पावर क्या है, और आप इससे कितना पैसा अर्न कर सकते हो, लाखों रुपए आप इससे अर्न कर सकते हो, प्लस आप इसमें कुछ स्ट्रेटजीज लगा के इसको लेवरेज करके और भी पैसा अर्न कर सकते हो जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। बट वो पैसा वो सब कुछ तब आएगा जब आप ये 3 पॉइंट करोगे, राइट। जब ये 3 पॉइंट आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मैं दिया हूं। देखो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस लड़के की कि वो अकेला था, इसलिए उसको 3.5 साल लगे 1 लाख लोगों को एक ग्रुप में लाने। मैंने भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, इसमें समझाया है इस वीडियो में कि आप कैसे ये चीज को कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखो, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में या मैं लास्ट में दे दूंगा। इस वीडियो को आप देखो, जाके समझो कि अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग आप मिलकर एक साथ कैसे कर सकते हो, राइट। एक ग्रुप भी है नीचे अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग का, उसको जाके ज्वाइन करो। उस ग्रुप को जब आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जस्ट आपको उनका साथ देना है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ पर 3 टिप्स देने वाला हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ग्रो करने में इस अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग में विथ फेसबुक ग्रुप, राइट। बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं यहाँ एक टीम बनाया हूँ, जो टीम 3.5 साल नहीं सिर्फ 3 महीने में ये 1 लाख लोगों को कैप्चर कर सकती है ग्रुप में, और एटलीस्ट हर बंदा 30,000, 25,000, 50,000 की अर्निंग तो कर ही सकता है इस। सो गाइज वो 3 काम आपको करने क्या है, आपको करना ये है गाइज कि आपको हर दिन 1 पोस्ट करना है या 3 पोस्ट करना है सेलिंग के। कोई भी चीज सेल करो, मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे आपको डील्स फाइंड करनी है, फाइंड करो और एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 3 पोस्ट करो हैशटैग के साथ, रिलेवेंट हैशटैग के साथ जो उस पोस्ट से मैच करते हो, ऐसा करो हर दिन मिनिमम 3 पोस्ट करो ग्रुप में, जो ग्रुप का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है और जिस ग्रुप में मैं आपको काम करने के लिए बोल रहा हूँ। आप फ्री में बहुत पैसे अर्न कर सकते हो सिर्फ 3 महीने मेहनत करके। नेक्स्ट जो टिप है गाइज वो ये है कि एड 10 मेंबर ऑन रेगुलर बेसिस। बस आपको 10 मेंबर ऐड करने हैं या इन्वाइट करना है गाइज, ये करने में आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेगा,
और जो मैंने तीन पोस्टिंग करने बोली है, मान लो आपको उसमें आधा घंटा लगेगा ढूंढ के हैशटैग के साथ अच्छे से पोस्ट करने में, तो ये आपका हो गया 35 मिनट का काम डेली का, राइट। लास्ट जो तीसरी चीज है गाइस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुश अदर्स एंड से देम प्लीज डू, प्लीज डू, क्योंकि ये आपको आगे बेनिफिट देने वाला है। इट्स मीन कि मोटिवेट अदर्स गाइस, अदर लोगों को ग्रुप में भी मोटिवेट करो, अपने मोटिवेशनल पोस्ट डालो एंड हर पोस्ट में लिखो गाइस ऐड पीपल एंड ऐड योर प्रोडक्ट इन द ग्रुप, राइट। कभी भी ग्रुप एक्सप्लोड हो सकता है, बहुत ज्यादा लोग ग्रुप में आ सकते हैं और आपका एक एक पोस्ट सेल होना स्टार्ट हो सकता है, और वो हैशटैग जो आपने लगाए हैं वो आपको मदद करेगा दूर दूर रीच होने में, ग्रुप को भी और आपके प्रोडक्ट्स को भी, जिससे लोग अगर कुछ फाइंड करते हैं और आपका जो हैशटैग है वो ऊपर आ जाता है तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, उससे आपको पैसे भी मिलेंगे। इससे गाइज आपका ग्रुप भी बनेगा, आपका प्रोडक्ट सेल भी होगा, और जब आपके ग्रुप में लोग बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो इन चीजों से। मेक श्योर गाइज, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करो, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो तो शेयर करो उन हर बंदों के साथ जो आज तक नौकरी नहीं पा पाए हैं या नौकरी के लिए भटक रहे हैं, शायद वो लोग इस चीज से फायदा उठा सके और पैसे अर्न कर सके। मेक श्योर कि आप उनके साथ शेयर जरूर करें। और लास्ट टिप गाइस, नेक्स्ट मंथ से बहुत सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जा रहे हैं, उन फेस्टिवल में बहुत सारी चीजें बिकती हैं ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें होती है, न्यू ईयर आने वाला है, अगर आप अभी से अपना बेस बना लेते हो तो बिलीव मी आप बहुत ज्यादा अर्निंग करने वाले हो इस मार्केट से, राइट। जाते जाते ये कहूंगा कि प्लीज डू वर्क हार्ड एंड प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, अगर पैसा कमाना है तो इतना इजी नहीं है, काम थोड़ा करना पड़ेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।